आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर विवादों में घिरा हुआ है ट्विटर। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, ट्विटर ने भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ की है। ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा दिखाया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख को ट्विटर ने अलग दिखाया है भारत के नक्शे से। अब इसको लेकर ट्विटर के साथ एक और विवाद छिड़ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल जुड़ गई हैं। सीमा गिल जी, ट्विटर लगातार विवादों में है, वैसे ही भारत सरकार के साथ जो आईटी नियम जो लागू किए गए हैं उसको मानने से इनकार कर दिया था, और कल ही ये देखा गया कि जो शिकायत अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब एक बार फिर से ट्विटर विवादों में आ गया है, भारत का गलत नक्शा उन्होंने जारी कर दिया है। बिल्कुल यस, जो ट्विटर का जो अपना होम पेज है उसके ऊपर, ट्विटर करियर्स के होम पेज के ऊपर जो नक्शा दिखाया हुआ है, उस नक्शे में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो एरिया है उसको इंडिया से डिस्कनेक्ट करते हुए दिखाया है। ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, और ये पहले भी एक बार ट्विटर को इसके लिए चेतावनी दी गई थी, और उसके बाद क्योंकि नवम्बर की लास्ट ईयर की बात है, लेकिन इस बार फिर ये इशू हुआ है जनरेट। तो डेफिनेटली बार बार जिस तरीके से लगातार जो ट्विटर और भारत गवर्नमेंट के बीच में जो ये कंट्रोवर्शियल इश्यूज डेवलप होते जा रहे हैं एक के बाद एक, किसी भी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहे, वाकई चिंता का। क्योंकि बार बार अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि रविशंकर प्रसाद जी के अकाउंट को लेकर जिस तरीके से रिएक्शन ट्वीट की तरफ ट्विटर की तरफ से आए थे, उसके बाद लगातार भारत सरकार और ट्विटर के बीच में जो ये लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। अब उसके बाद फिर एक बार ट्विटर की तरफ से जो भारत के नक्शे है उसमें इस तरीके से छेड़छाड़ करना या उसको गलत दिखाना, वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये अपने आप में ये बड़े इशू होते हैं, और मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर सख्त कार्रवाई या रिएक्शंस हम उम्मीद करते हैं कि हो, सरकार की तरफ से होगा, क्योंकि सरकार बिल्कुल नहीं ढील देना चाह रही है। ट्विटर जिस तरीके से जो बिहेव कर रहा है, कई बार पिछले अगर कुछ दिनों के अगर आप ट्विटर के जो एक्सेंट्स हैं उनको अगर आप नोटिस करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्विटर चैलेंज करना चाहता है। तो ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, और इस पर तमाम जो आला अधिकारी हैं, खासकर जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो जरूर इस पर ध्यान दे रही हैं, और उनकी तरफ से पहले नितिन गोखले ने इसको नोटिस किया था पहले भी। एंड इट्स जस्ट ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कि आप अपने नक्शे को, क्योंकि हमारी जो जितनी भी देश की सुरक्षा को लेकर जितने इंतजाम हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने अपने यू नो बॉर्डर को शो करने के लिए होता है कि आपकी आपकी जो आपका जो लैंड है उस पर आपका अधिकार है, और आप उसको बार बार दिखा रहे हैं। ये या पहली बार नहीं हुआ कि गलती से, और गलती से मुझे लगता है ट्विटर जैसा का अगर कोई कंपनी बड़ी वो अगर इस तरह से भारत के नक्शे को अगर हल्के में लेती है तो वाकई चिंता का विषय है। बिल्कुल चिंता का विषय है भी, और ये इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए सीमा गिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रहा तनाव अब और बढ़ सकता है। इस बार भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ करने को लेकर तनातनी हो सकती है। तो ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया। यह आरोप है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग देश के तौर पर दिखाया है। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।